बनकर मुझ पर खंजर चला रहा, जिन्होंने अपना बनकर मेरी पीठ में खंजर भोंका, मेरी किरदार कशी की, चलो सबको माफ किया, आज इनको भी माफ किया, चलो आज इनको भी माफ किया, आज इनको भी माफ किया। ये बारकश की सरजमीन गवाह देगी, आप गवाह देंगे मौल साहब, क्या आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने सबको माफ किया, सबको माफ किया। ये इमारत की खुशी के एवज में चलो आज जो कुछ भी दे सकता था वो भी दे दिया, वो भी दे दिया, अब कुछ नहीं देने के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि ऐसे अमल की तरगीब ना दो जो खुद अमल ना कर सके, है ना मौल साहब? अगर मैं यहां खड़े होकर तरगीब दे रहा हूं ईसार की, तरगीब दे रहा हूं कुर्बानी की, तरगीब दे रहा हूं माफ करने की, तरगीब दे रहा हूं दिल को वसी करने की, और मैं खुद अमल ना करूं तो दुनिया बोलेगी कि ये भी वैसे ही लीडरों के जैसा है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, इसलिए मैं खुद अमल कर रहा हूं आज, और मेरे अमल पे तरगीब करने का पैगाम दे रहा हूं, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं। और यह बात जरूर कहूंगा कि लोग कह रहे हैं अखबार में आ रहा है, टीवी चैनल में बाद अफवाहें फैलाई जा रही, मैं उनसे कहना चाहूंगा अकबरुद्दीन ओवैसी अगर अपनी कौम मिल्लत के लिए कंकर उठाता है, उसकी रास्ते की रुकावटों को दूर करता है।